हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं मिस्टर खान और आप देख रहे हैं डिजिटल बियर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्ड डिस्क पार्टीशन के बारे में। दोस्तों काफी लोगों ने हमें कमेंट किया है कि हार्ड डिस्क की पार्टीशन कितने टाइप से हम कर सकते हैं अपनी कंप्यूटर की, तो इसके बारे में आप बताएं। दोस्तों उन्हीं लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है और जिन्हें इस टाइप की प्रॉब्लम है। दोस्तों नॉर्मली हार्ड डिस्क की दो टाइप से पार्टीशन कर सकते हैं। एक पार्टीशन जो होता है वो हार्ड डिस्क हम जब विंडो फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट करने के वे में जो पार्टीशन ऑप्शन आता है आप वहां से पार्टीशन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि अगर हमें कंप्यूटर को फॉर्मेट नहीं करना है और तब हमें पार्टीशन करना है, कैसे करेंगे, क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी दोस्तों बिल्कुल पॉसिबल है। आप बिना कंप्यूटर को फॉर्मेट किए भी आप अपनी कंप्यूटर की पार्टीशन कर सकते हैं, अपनी लैपटॉप की पार्टीशन कर सकते हैं। तो ये दोनों पार्टीशन के नियम क्या होते हैं और कैसे काम करता है, कौन से बेस पे होता है और कैसे पार्टीशन करेंगे, ये टोटली अगर आपको जानना है तो बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि मैं अपनी लैपटॉप पे आ गया हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम पार्टीशन करेंगे किसी भी हार्ड डिस्क को बिना फॉर्मेट किए, यानी कि कंप्यूटर को बिना फॉर्मेट किए कैसे पार्टीशन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है कंप्यूटर, देखेंगे यहाँ पे डिस्प्ले पे कंप्यूटर मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर की राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके यहाँ पे मैनेज ऑप्शन में आपको जाना है सिंपल और मैनेज पे क्लिक कर देना है। जैसे मैनेज पे क्लिक करेंगे आपके सामने मैनेज का पेज ओपन हो जाता है। जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे मैं यहाँ पे मैग्नीफायर का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको सिंपल जाना है डिस्क मैनेजमेंट पे, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने डिस्क मैनेजमेंट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखेंगे जो भी आपके कंप्यूटर का डिस्क हुआ, फिलहाल जो डिस्क हुआ वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे कि कौन से फॉर्मेट है, यानी फाइल सिस्टम NTFS है, यानी कि ये बढ़िया फाइल है, यानी फाइट नहीं है, 32 नहीं है, NTFS है। नीचे आने के बाद देखेंगे कि वही सारे ड्राइव्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा 500 MB का जो NTFS है जो कि हमारे सिस्टम रिकवरी के लिए है। और इसके बाद आपको मिल जाता है सी ड्राइव इतने का, ई इतने का और एफ इतने का। टोटल जो दोस्तों है यहाँ पे है 465 GB, यानी टोटली 500 GB है, जिसमें से थोड़ा सा कैश मेमोरी बन जाता है हमारा, जैसे MBR वगैरह के लिए, डिलीटिंग वगैरह के लिए। हमारा यहाँ पे तीन पार्टीशन है सी ई और एफ। मैं आपको कट करके इसको यानी मिनिमाइज करके मैं आपको कंप्यूटर ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे आपको पार्टीशन दिखेगा, वहाँ पे कितने पार्टीशन दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर ऑन करता हूँ और माय कंप्यूटर ओपन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टीशन सी ई और एफ। और जो डी है दोस्तों ये हमारा कैश मेमोरी के लिए है जो कि वहाँ पे 500 MB दिखा रहा था। यहाँ पे देखेंगे जैसे कि यहाँ पे 97 GB का है, ये 172 GB का है और 195 GB का है। अब हम कट करते हैं इसको और चलते हैं पहले मैनेजमेंट पे जहाँ पे हम अभी गए थे। तो यहाँ पे मैनेजमेंट पे आएंगे दोस्तों तो देखेंगे यहाँ पे 97 GB, 172 GB, 195 GB, वही ड्राइव्स हमारे पास यहाँ पे है। अब दोस्तों हमें एक और इसमें पार्टीशन करना है, बहुत लोगों का ऐसा क्वेश्चन था। तो पार्टीशन कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे ई ड्राइव से कुछ पार्टीशन करना है, तो सिंपल आपको ई ड्राइव पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे ये डॉट यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद आपको माउस की राइट क्लिक क्लिक करना है। राइट क्लिक क्लिक करने के बाद देखेंगे कौन सा ऑप्शन आता है यहाँ पे। राइट क्लिक क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे डिलीट वैल्यू, आप डिलीट भी कर सकते हैं, फॉर्मेट भी कर सकते हैं, आप अपने ड्राइव का नाम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ई ड्राइव है तो एफ जो भी है समथिंग कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें और पार्टीशन बनाना है तो श्रिंक वैल्यू पे क्लिक करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे श्रिंकिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों टोटल साइज बिफोर श्रिंक, यानी श्रिंक करने से पहले आपको टोटल साइज इतना MB में है। आप जानते ही होंगे कि कंप्यूटर के कोई भी GB में नहीं होता, MB में ही कन्वर्ट करके उसको पार्टीशन की जाती है। तो यानी हमारा जो एंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस टू श्रिंक, यानी टोटल जो हमारा श्रिंक का अमाउंट है इतना है, आप कितना अमाउंट श्रिंक करना चाहते हैं, यानी इतना आपका टोटल है और इसमें से आप कितना काटना चाहते हैं, नॉर्मल से अगर वर्ड में कहा जाए तो कितना कट करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जितना GB का आपको बनाना हो, जैसे 50 GB का बनाना है तो 50 × 10 = 24 तो लगभग 50,000 आ जाता है। तो मैं 50,000 ही करके आपको दिखा देता हूँ। अब सिंपल आपको श्रिंक पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखते रहेंगे आप यहाँ पे 48.83 GB का बन गया, यानी कि हमने 50 GB का बनाया था लगभग, जैसे 50,000 हम किए थे तो 50 GB तो हुआ नहीं, 49 GB समथिंग हुआ, तो यहाँ पे 48.83 GB दे दी गई है। लेकिन दोस्तों अभी भी ये ब्लैक कलर का है, इसमें से तो कट गया, देखेंगे ये 171 GB का था तो ये कट गया इसमें से, लेकिन अभी ये अनलोकेटेड स्पेस दिखा रहा है। ये क्या होता है अनलोकेटेड स्पेस, मीन्स होता है दोस्तों कि आपका स्पेस अभी ये दिखेगा नहीं कंप्यूटर के अंदर। चलिए देख के दिखाता हूँ मैं आपको कंप्यूटर में।
जैसे ही कंप्यूटर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे वो स्पेस कट तो गया है लेकिन दिखेगा नहीं। यहाँ पे देखेंगे कि 123 GB हो गया जो 171 GB था, लेकिन वो स्पेस यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो उसे आप कैसे दिखाएंगे? उसे दिखाने के लिए दोस्तों फिर से आपको आना है, अपनी मैनेज को फिर से ओपन करना है, और जैसे मैनेज को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है वही अनलोकेटेड स्पेस। अब इसको लोकेट करना है। लोकेट करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं अनलोकेटेड स्पेस है अभी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पर ड्राइव का नेम भी नहीं है, तो अब हमें लोकेट भी करना है, ड्राइव का नेम भी देना है। तो फिर क्या करना होगा, इसी पे आपको राइट क्लिक करना है और न्यू श्रिंक वैल्यू पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा बॉक्स ओपन होता है, वेलकम टू न्यू सिंपल वॉल्यूम विजार्ड, आपको नेक्स्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका आ गया ये मिनिमम डिस्क स्पेस 8 MB, अपने आप ये डिस्क स्पेस ले रहा है, यानी कि जो MBR बोलते हैं हम। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आपको NTFS से रखना है या फिर कुछ और से रखना है, तो हमें NTFS से ही रखना है। और यहाँ पे ड्राइव अगर आप लेटर भी चेंज करना चाहते हैं तो ड्राइव लेटर भी चेंज कर लेंगे इस पर क्लिक करके, लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा, बाय डिफॉल्ट जो भी ऐसा ही है। उसके बाद दोस्तों सिंपल आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेट किस तरीके से आपको करना है, NTFS से करना है या फिर फाइट से करना है, लेकिन मुझे NTFS से करना है, तो NTFS सही होता है। वॉल्यूम लेवल यहाँ पे है, वॉल्यूम का नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपल नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे फिर आपको फिनिश पे क्लिक करना है, और फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपके पास डिस्क मैनेजमेंट का कुछ मैसेज आएगा कि आपका जो इसमें डेटा वगैरह है ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ मैसेज आता है, तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज यस कर दें। यस करने के बाद देखेंगे दोस्तों बी केयरफुली, यहाँ पे अनलोकेटेड स्पेस जो है ये हमारा क्रिएट हो जाएगा, हमारा लोकेटेड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि हमने प्रॉपर क्रिएट कर लिया है, खान के नाम से यहाँ पे ड्राइव बन गया है। अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर पे और कंप्यूटर को ओपन करके देखते हैं कि वहाँ पे हमारा 4 ड्राइव शो कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर को आपको ओपन करना है सिंपल, और कंप्यूटर जैसे ओपन करेंगे आपको यहाँ पे देखेंगे ड्राइव 1, 2 और यहाँ पे 3 और नीचे आपको मिल जाता है 4, यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे खान के नाम से आपको ड्राइव मिल गई, यानी ये 4 ड्राइव आपको मिल जाती है। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिख सके। यहाँ पे देखेंगे कि 4 ड्राइव आपको बन गए। ये तो ड्राइव नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये देखेंगे सिस्टम किया है, यानी कि सिस्टम का रिकवरी होता है। ये देखेंगे ये MB में है, ये कोई ड्राइव नहीं होता, ये आपका सिस्टम का रिकवरी के लिए बाई डिफॉल्ट बन जाता है ये, अगर ओरिजिनल विंडो है आपके पास तो। लेकिन ये हमने बनाया था यहाँ पे खान के नाम से, तो यहाँ पे आपको 4 दिखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखेंगे यानी 1, 2 और 3 और 1 इधर है 4, ये 4 ड्राइव आपके क्रिएट हो गए। तो दोस्तों इस वीडियो में इसी नियम को आप देखें, इसी रूल्स को देखें, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है, और मैं अगर फिर से बताऊं आपको कि फॉर्मेट करते टाइम कैसे पार्टीशन करते हैं तो आपका ये वीडियो और भी लंबा हो जाने वाला है, तो काफी लोग बोर भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप विंडो फॉर्मेट करते टाइम पार्टीशन कर पाएंगे अपनी कंप्यूटर की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि हार्ड डिस्क की पार्टीशन कैसे करेंगे और कितने टाइप की हार्ड डिस्क की पार्टीशन होती है, बिना विंडो फॉर्मेट किए पार्टीशन कैसे करेंगे। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारी चैनल डिजिटल बिहार यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो हम डालेंगे उसकी अपडेट आपके मेल आईडी तक मिलती रहेगी और आप वीडियो देखते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव अ नाइस डे।